आगे बढ़ते हैं डीएनए में। कल से नवरात्रों की शुरुआत होने वाली है और इसी के साथ साथ गरबा पंडालों में रौनक भी आएगी, लेकिन इस रंग में भंग ना पड़े इसके लिए अलग अलग आइडियाज दिए जा रहे हैं, अलग अलग व्यवस्थाओं की बातें की जा रही। गरबा पंडालों में बीते सालों में दूसरे समुदाय के युवकों की हुड़दंगी के बाद इस साल गरबा आयोजकों को पहले गौमूत्र के छिड़काव का आइडिया दिया गया। इसके बाद कहा गया कि गरबा पंडाल में एंट्री उसी को मिलनी चाहिए जो गौमूत्र पिएगा, लेकिन अब एक नया आइडिया सामने आ चुका है। गरबा पंडालों में सिर्फ वराह पूजने वालों को ही एंट्री मिलेगी, यानी वराह पूजा होगी उसके बाद पंडाल में एंट्री मिलेगी। अब वराह पूजन से गरबा पंडाल की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित होगी, इसे समझने के लिए आप सबसे पहले जान लीजिए कि वराह अवतार की व्याख्या सनातन में क्या है। हमारे यहाँ जो 24 अवतारों की कल्पना है, उन 24 अवतारों में सबसे पहले अवतार वराह भगवान है, जो वराह के रूप में अवतरित हुए। हिरण्यकश्यप नाम का हिरण्याक्ष नाम का एक राक्षस हुआ जिसने पृथ्वी का अपहरण कर लिया था, और उस पृथ्वी को पुनः अपनी धुरी पर स्थापित करने के लिए भगवान नारायण ने जो अवतार ग्रहण किया था वही वराह अवतार है। तो ये तो आपने समझ लिया कि वराह अवतार कौन है, लेकिन वराह अवतार की पूजा से गरबा पंडालों में गैर हिंदू या कहें कि खासकर मुसलमानों की एंट्री कैसे बैन होगी, इसे समझने के लिए यह रिपोर्ट आपको देखनी होगी। ये हैं वो वराह अवतार जिनकी पूजा के बाद गरबा पंडालों में एंट्री देने का आइडिया आ चुका है। भगवान विष्णु के 24 अवतारों में से एक वराह अवतार अब सुनिश्चित करेंगे कि गरबा पंडालों में गैर हिंदू प्रवेश ना करें। अब कुछ लोग भगवान की प्रतिमा देखकर अंदाजा लगा चुके होंगे कि आखिर ऐसा कैसे होगा, लेकिन जो अभी तक समझ नहीं पाए उन्हें खुद बीजेपी के पूर्व राज्यसभा सांसद रघुनंदन शर्मा समझाएंगे कि आखिर वराह अवतार गैर हिंदुओं को पंडाल से दूर कैसे रखेंगे। असामाजिक तत्व आ जाते हैं, जो सनातन विरोधी तत्व आ जाते हैं, या ऐसे लोग जो सनातन धर्म में विश्वास नहीं करते, वैदिक धर्म में विश्वास नहीं करते, हिंदू धर्म के प्रति जिनकी आस्था नहीं है, ऐसे लोग आते हैं तो वो अपने आप पहचान लिए जाते हैं। इसलिए भगवान वराह की मूर्ति स्थापित की जानी चाहिए। दरअसल भगवान विष्णु ने पृथ्वी की रक्षा के लिए वराह अवतार लिया। भगवान विष्णु के वराह अवतार की हिंदू धर्म में बड़ी मान्यता है, लेकिन भगवान के इस अवतार से गैर हिंदू या आसान शब्दों में कहें तो मुसलमान तौबा करते हैं। पृथ्वी को पुनः अपनी धुरी पर स्थापित करने के लिए भगवान नारायण ने जो अवतार ग्रहण किया था वही वराह अवतार है, उसे सूकर अवतार भी कहते हैं। सूकर अवतार हैं, और हम सूकर के रूप में भी उस रूप में भी भगवान का दर्शन करते हैं। कौन पूजन नहीं करता इनकी? जो नापाक चीजें हैं, जो हराम चीजें हैं, उससे हमको बचने के लिए कहा गया है, और वो हम लोग बचते हैं, उसका ध्यान रखते हैं। सूअर नापाक है आपके धर्म में? नापाक है। अच्छा, बिल्कुल नापाक। आप पूजन नहीं कर सकते हैं? सूअर भी नापाक है और गौमूत्र भी नापाक है हमारे लिए, इस्लाम के मानने वालों के लिए। दरअसल गरबा पंडालों को लेकर बीते कुछ दिनों से खूब घमासान है। बीते कुछ सालों में जिस तरह से गरबा पंडालों में महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की घटनाएं सामने आईं, इन घटनाओं में मुस्लिम युवकों के नाम सामने आए, पंडालों पर पथराव की घटनाएं हुई, उसके बाद मुस्लिम युवकों की एंट्री पर बैन लगाने की बात हुई, ऐसे में वराह अवतार की पूजा का आइडिया दिया गया। अब सवाल ये, क्या मुस्लिम युवक गरबा पंडालों में एंट्री के लिए वराह अवतार की पूजा करेंगे? जाएंगे गरबा? जा भी सकते, पर कैसे जाएंगे? वराह की सुअर की पूजन करके जाएंगे? फिर नहीं जा पाएंगे। क्यों नहीं जा पाएंगे? हमारे यहाँ हराम है ना। क्या हराम है? ये सुअर। सुअर आप नहीं करते हैं पूजन? क्यों? गरबा जाना पसंद है कि नहीं है आपको? हाँ, तो ऐसे चले जाओ, उनमें क्या होता है, चले जाते थे हम लोग। क्यों? घूमने के लिए। घूमने के लिए चले जाते हैं, लेकिन पूजन करके नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे। वराह अवतार की पूजा करने से मुस्लिम युवक तौबा कर रहे हैं, लेकिन गरबा पंडालों के बाहर इस नियम को लागू करने को लेकर बहस तेज है। बहुत सारे लोग, पहले आपने मैंडेटरी कर लिया आधार कार्ड,
हम मैंडेट ही करेंगे गरबा में एंट्री के लिए, लेकिन लोग फर्जी आधार कार्ड लेके पहुंच गए। यदि बराए की पूजन भी कर दी तो फिर क्या करेंगे? अब ये तो यदि वो कर लेते हैं तो हमको तो खुशी है, वेलकम है, स्वागत है। कोई गौमूत्र पी करके हम आता है या कोई वराह के पूजन करके भी उसमें सम्मिलित होता है तो उनका स्वागत है। मत आइए ना हमारे घर में, माना क्यों है? कौन जा रहा है? वसीम रिजवी और तारिक फतेह जैसे लोग अगर चले जाएं तो उसके लिए हम जिम्मेदार थोड़ी है। आदरणीय बता सकते हैं इस बात को? वो बुलाते हैं, वो बुरका पहनाते हैं, वो बुरका कई लोगों को तो बुरके पहना करके लाए जाते हैं, वसीम रिजवी कई लोगों को दाढ़ी टोपी लगा करके भेजा जाता है। बीते कुछ सालों से चले आ रहे ट्रेंड को देखा जाए तो गरबा पंडालों की सुरक्षा सुनिश्चित करना जरूरी है। ऐसे में गौमूत्र के बाद अब वराह अवतार की पूजा का आइडिया है। अब इसका पालन कितना होता है और ये कितना कारगर होगा, ये बहुत जल्द सामने आ जाएगा। प्रमोद शर्मा, भोपाल, जी मीडिया। तो नवरात्रों में पूजा अनुष्ठान के दौरान कोई भी बाधा ना आए, इसे लेकर हर तरह के इंतजाम किए जा रहे। लेकिन इस बीच वराह अवतार की पूजा और गौमूत्र पीने की आइडिया को लेकर हंगामा है। इस बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी कुछ ऐसा ही बयान दिया। देखिए, मुगल काल में कई जातियों ने अपने घरों में सुअर पालना शुरू किया मुगलों के अत्याचार के भय से। आज अगर मध्य प्रदेश ने पंडाल में गौमूत्र का छिड़काव कर रहे हैं, वो करना चाहिए, लेकिन जो गुंडागर्दी करे हिंदुओं के धर्म पर उसकी इतनी पिटाई करनी चाहिए कि जीवन में फिर वो उस तरह का हरकत ना करे। लेकिन नवरात्रों से पहले विवाद क्यों छिड़ा है, उसे समझने के लिए आपको कुछ तस्वीरें मैं दिखाना चाहता हूं। वो तस्वीरें जरा देखिए। हनुमान जयंती पर पथराव होता है, गणेश चतुर्थी पर पथराव होता है, रामनवमी पर भी पथराव होता है। यानी हिंदू त्योहारों में खलल डालने का देश में एक ट्रेंड चल चुका है। ऐसे में कोशिश ये कि नवरात्रों में पूजा अनुष्ठान हो या गरबा हो, कोई भी गड़बड़ी ना होने पाए, और इसलिए ये नए नए आइडियाज सामने लाए जा रहे हैं। और कुल मिलाकर मकसद यह है कि किसी भी तरह से नवरात्रों की पूजा शांतिपूर्ण तरीके से पूरी हो पाए। लेकिन सिर्फ आइडिया देने भर से कुछ लोगों को की हालत जो है वो खराब हो गई है और वो विरोध भी कर रहे हैं। Zee News।